26,000 रुपए लागू करो। कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा। कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा। काम पक्का कच्ची नौकरी नहीं चलेगी। काम पक्का कच्ची नौकरी नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। खट्टर की सरकार यहां पर पहुंचे हैं और इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये पहुंचे हैं, इनसे ही जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्यों पहुंचे हैं। क्या कहेंगे जगमाल जी, क्यों पहुंचे हैं ये? आज एजुसेट चौकीदार यूनियन यहाँ के करनाल के डीसी के माध्यम से मांग पत्र दे रहे हैं और ये जो रात की जो ड्यूटी देते हैं, रात की ड्यूटी के अलावा दिन में भी इनसे मतलब काम लिया जाता है, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो मतलब माली का काम हो, चाहे वो पीएन का काम हो, इनसे सरकार काम ले रही है लेकिन तनख्वाह 7,000 रुपये दे रही और कई कई महीने से तनख्वाह नहीं मिलती इन ग्राम सफाई एजुसेट चौकीदारों को। ये मांग करने से खतरा है जी, महकमे पक्के हैं तो नौकरी भी पक्की सरकार ने घोषणा करनी चाहिए इसके बारे में। किसी ने कहीं लग तो नहीं संगठन बुला रहे हो कहीं? हाँ जी, संगठन तो नहीं बुला रहे कहीं, भी लक्ष्य चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी आ जाओ करना। देखो जी, जिसके पेट में दर्द है दवाई तो वही लेगा, ये तो सबको पता है, चुनाव तो है लेकिन ये पिछले लंबे समय से मांग करे इसके बारे में। बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार ने इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, हाई कोर्ट में केस डाल करके सरकार से मतलब तनख्वाह बढ़वाई है एजुसेट चौकीदार, वो चौकीदार है। अब आगे की रणनीति इनकी क्या रहेगी आज का? रणनीति ये साथी बताएंगे इसके बारे में जी। क्या कहेंगे किस वास्ते आप सर? नमस्कार, सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जाते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी एक तो तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारे से 24 घंटे कार्य लिए जा रहे हैं, जो भी हमारे से कार्य ले रहे उसका कोई वेतन नहीं मिल रहा सर। सबसे पहले तो हमारे बगैर शर्त का हमारे को पक्का किया जाए, पीएफ ईएसआई लागू किया जाए, एक्सक्रेशिया पॉलिसी लागू की जाए और जो हमारी जायज़ मांगे वो सभी पूरी की जाएगी, जो एजुसेट के साथ शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए, ठीक है सर। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे को प्रति महीना सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं, अब सैलरी नहीं मिल रही आपको? नहीं मिल रही सर, 8 महीने से कोई सैलरी नहीं मिल रही जी। किससे मिले हो, क्या बात रखी आज? आज हम माननीय श्री मुख्यमंत्री के नाम उपयुक्त मोदी के माध्यम से हमने विज्ञापन दिया है करनाल में, पूरे हरियाणा से सभी और पूरे हरियाणा से चौकीदार आए हुए हैं, ठीक है सर। रणनीति क्या रहेगी आगे की? रणनीति ये रहेगी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम आगे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है सर। कैसा आंदोलन? जैसे कोई भी आंदोलन करे जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मुख्यालय पे, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वहाँ पूरा हम प्रदर्शन करेंगे जी। प्रदर्शन? हाँ जी।